हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। देखिए हमारे घर दोस्तों, आज मैं कुछ और ख़ास बातें सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। हम तो काम काम पर रहता हूँ और पकौड़ी 4 बार इसने बना दिया, पत्ता गोभी का। और देखिए धुआं लग रहा है हमको, देखिए अलाव जल रहा है इतनी टाइम, और समय और रात हो चुकी है और 5:30-6 हो रहा है, 5:30 हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम जो है कि अभी आया है चौराहे से, गाड़ी में गए थे तेल भरवाने, चूँकि कल पत्ता गोभी काटना है। तो देख रहे हैं पकौड़ी बना दी है, और वीडियो कभी पकौड़ी का बना नहीं है। और चूंकि हम यही चाहते थे कि कभी पकौड़ी पत्ता गोभी का दिखाएं, तो आज बनाई है। तो हम समय से आ गए हैं। देखिए पत्ता गोभी का पकौड़ी इस थाली में रखी है और माऊ माऊ हो रहा है, और ये अलाव हमारा छितरा रहा है। अब इसको चढ़ाएंगे दोस्तों, इसको चढ़ा दिए, गिर रहा है। चलो बोलो, तुम क्या बोलोगी? हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सबका मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये चले गए चौराहे पे, तो हम बाबू अपने में गणित कर किए हैं कि मौसम ठंडा है, क्या किया जाए। तो हम कहें लाओ पत्ता गोभी पकौड़ी बनाए दोस्तों। 4 बार पत्ता गोभी पकौड़ी इस सीजन में, मतलब मान के चलिए 15 दिन के अंदर में बना चुके हैं, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो ये आए हैं तो देख रहे हैं, छान उनके हम रखे हैं, कह रहा खूब चलता तू लोगों के पकौड़ी बनी बने। तो चलत वीडियो बदले स्टार्ट कर बा, दिया, इनको मौज दिखाई दे रहा चलत है। बदले बा। हाँ, तो ये वीडियो बना रहे हैं। हम ठंडा से आकर के हम तुरंत दोस्तों, हम तो बागी ताप रहे हैं, हमको बागिया दिख रहा है अभी, क्योंकि ठंडा है मौसम, दोस्तों पत्ता गोभी का पकौड़ी बहुत अच्छा लगता बहुत है, अच्छा लगता है एकदम चूर दोस्तों। चूर होता है ना उसको, एकदम वो बढ़िया से तलते हैं, बहुत आ मस्त जो भाई लगता लोग करीबी के होंगे है। वो आगे पत्ता हमारे, गोभी ले जाए मेरे घर से ओ फ्री जो भाई लोग करीबी के होंगे तो आ सकते हैं और ले जा सकते में। हैं, पत्ता हाँ गोभी कोई मतलब पकौड़ी दिक्कत बना शिकायत करके खा नहीं सकते है, हैं। आप लोग आइए। लौकी भी है तो अभी छोटा छोटा फल दे रहा है, वो लेकिन पत्ता गोभी तो मिल वो जाएगा। जनवरी के लास्ट में पर लौकी होगा, जनवरी के लास्ट में लौकी एकदम निकासी रहेगा। इस साल करेली नहीं लगाए हम लोग, करेली पिछले साल था। हाँ, करेली दोस्तों पिछला साल था, इस साल नहीं लगा पाए, चूंकि हमारा खाने जो में थोड़ा सा लगाएंगे। सिस्टम है मतलब खेती का था वो चेंज हो गया है। हमारा जैसे कि खेत थोड़ा दूरी पर है, मैं अधिया पर काम करता था उस खेत के लिए, इसलिए वो खेत हमने छोड़ दिया और अपने ही बहुत घर के मेहनत करते थे हम लोग बहुत दोस्तों, मेहनत कुछ लगता बचता नहीं था, था, दिया में क्या अधिया में क्या बचेगा। बचेगा, तो इसीलिए जो है कि और अपने बस्ती भी बहुत ज्यादा लगता घर है। के पीछे जो खेत है 4-5 कट्ठा, तो उसी में लौकी लगाए हैं बस। अब 4-5 कट्ठा में यहाँ अधिया लगाए उंडा हैं। खेत बहुत ज्यादा लेके हम लोग बो रहे थे, लेकिन अभी सब छोड़ दिए हैं, छोड़ बस दिया अपना है खेत है और एक खेत और है दूसरे का बोते वो, हैं। तो हुंडा है दोस्तों, उसमें तो हाँ केवल गन्ना बोते हैं हम, उसमें नहीं केवल होएंगे तो फिर खाएंगे गन्ना क्या, हमें गेहूं मजबूरी है गन्ना दूसरों का खेती करना गन्ना है। गेहूं गन्ना गेहूं यही रहता है। तो मान वही लीजिए कुछ नहीं, हम आधा मिलता है ना दोस्तों गन्ना का इसीलिए पेराई काम दोस्तों। करते हैं, तो गन्ना तो हमको 10-12 कट्ठा एक बोते रहते हैं, क्योंकि हमको गन्ना खरीद करके 9 पेराई करना पड़े, इसलिए जो है कि उसमें हम गन्ना बोते हैं, और गन्ने से ही उसका पैसा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, और किससे निकलेगा? कुल्हाड़ करेंगे तो कुल्हाड़ करेंगे तो उसमें रखवारी करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, तभी बचेगा। कोई सब्जी अगर लगाए तो दोस्तों बड़ाई करने के लिए तो है अगल बगल बड़ाई करने वाले, लेकिन रियल और सच्चाई हम यही बता रहे हैं कि हम लोग खेत अदिया और हुंडा बोते हैं, दोस्तों हम लोग अधिया अपना हुंडा पर्सनल बोलते खेत हैं, ज्यादा, बस 1 बीघा खेत है एक भी मिला है बाकी। हिस्सा में, हाँ दो ढाई आप सवा दो कहने वाले बीघा तो है। कहते हैं कि पूरा हिस्सा उसको दिलवा दिए हैं हम, हिस्सा में तो दो सवा दो एक एक बीघा है है, इंसान, वो बोला है कि हम उसको पूरा हिस्सा दिलवा दिए हैं, कौन बोला हमको है ये? भनक आती है, हाँ लेकिन रियल और सच्चाई बता रहे हैं दोस्तों। ये अन्नपूर्णा सामने है, अभी सिर्फ 1 बीघा खेत मिला है।
ना? खेत बोते हैं अधिया और हुंडा लेकर के बगल। हम अधिया और हुंडा से खेत दोस्तों हम बो करके जीते हैं, खाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं दोस्तों, आप लोग उसका कि जो ये रिलेशन में फैलाया है बात को, हम नाम उसका लेंगे दोस्तों, हमको कितना दान किया है आप लोगों की, उसका लेंगे आप लोगों की कृपा रहेगी तो हम आगे निकलेंगे दोस्तों। निकल ही रहे हैं, आप लोगों की कृपा रहेगी तो हम निकलेंगे। और ये मत समझिए दोस्तों हम बहुत अभी अमीरी से हैं, लेकिन हम अमीरी से नहीं है दोस्तों, बहुत गरीबी से उठ रहे हैं। और आप लोगों की कृपा से हम एक ही पैर से हैं, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे कि मेरा पैर तो आप लोग जान नहीं रहे, हमने तो दिखाई दिया है वीडियो में। मेरा अगर नहीं जाने होंगे तो मेरा क्लिक करके चैनल जो है कि देख लीजिएगा, हम सब बताए हैं मेरी स्थिति। अब आज सुबह का वीडियो डाले हुए हैं लॉन्ग का, तो आप उसमें देख लीजिए, मैं एक पही पर से हाथ धो के पड़ा हुआ है, एक इंसान है। अरे एक ही नहीं है, दो तीन है, खास में तो इतने टाइम हुआ ही है ना बगल में, एक ही इंसान है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पड़े रहो सामने आएगा, सोच अच्छा तो सामने आना ही है। दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में भी ये तो हस्तक्षेप है उन लोगों का, लेकिन क्या किया जाए, हम लोगों का काम है तो हम लोग करते रहते हैं। दोस्तों उसको क्या पता है कि हम जो बात रिलेशन में फैला रहे हैं, वो तो रिलेशन में फैला रहा है, झूठ झूठ होगा सच सच होगा। और उसको ये नहीं पता है, अगर वीडियो देख रहा है तो जानेगा हम जो ये कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, हमारा यूट्यूब सोशल मीडिया है, हम जो कहेंगे सोशल मीडिया पे जाएगा, उसको तो ये पता नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी होनी जो चाहिए, जो करेंगे सच करेंगे और सच्चाई पे रहेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी है कुछ नहीं, जो हकीकत और झूठ झटाई का हम काम नहीं करते हैं, झूठ झटाई हम लोगों के अंदर रहे जो है रियल सच्चाई। और वीडियो भी जो भी वीडियो हम बनाते हैं दोस्तों एकदम ईमानदारी का ही काम से हम करते हैं, जो करते हैं वही वीडियो बनाते हैं, उसी से हम सफलता जो पाते हैं वही से पाते हैं, हमारा सच्चाई देन है कि आज हमको इतना आगे, आज जो भी वीडियो अच्छा है, जो भी काम करते हैं हम वीडियो में लाते हैं, अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत से सब कुछ कमाई से हम करते हैं दोस्तों। और अपना जो मकान दिखाए हैं आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये सब मेहनत का फल है, मेहनत से करके इतना काम किए हम, इतना तो आप लोग समझिए दोस्तों, मेहनत से करके ही हम आगे बढ़े हैं, आज बहुत परिश्रम किए जीवन में, इसमें भी तो उल्टा सीधा बोला जाता है, लेकिन तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट जिस तरह बनाए हैं उसी तरह सपोर्ट बनाते रहिए आप लोग, बहुत अच्छा इस समय रिस्पांस मिल रहा है, और इसी तरह सपोर्ट बनाते रहिए, हम लोग को बस सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, सच्चाई हम लोग दिखाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, अभी कुछ नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, बस सपोर्ट कीजिए आप लोग, अपनी पूरी गाथा कहानी जो है स्टोरी हम लोग सब पूरा डालेंगे वीडियो में। और दोस्तों ठंड तो ज्यादा ही है, ठंड तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, इस समय आए हैं, बहुत ठंडी लग रही थी, तुरंत आग जलाए हैं और तभी से चले गए, और तभी से जल रहा है दोस्तों, हम चौराहे पर चले गए, गाड़ी में तेल भरवाने, चूंकि कल तन पत्ता गोभी था उसको खेत में लगाए हैं, पत्ता गोभी लौकी एक ही में है, तो पत्ता गोभी लौकी एक में चलता नहीं है, लेकिन ये खेती वाली है तो खेती वाली कहने पर हमने लगा दिया। और जो है कि हमारा आज गोभी फूल गोभी लगाए होते तो हम जानते थे फूल गोभी लगाएंगे तो हमारा फूल गोभी निकल जाएगा, हमारा लौकी का फ्रेश मौका मिल जाएगा फैल करके जो है कि वो जो है फल देने के लिए, तो मैटर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन इसका सुधार हो जाएगा, क्योंकि उसी में से पत्ता गोभी निकाल लेंगे और उसी पर सोहाई करके घास निकाल करके जो है कि फिर काम हो जाएगा, सिस्टम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी आइए पकौड़ी खाइए आप लोग, आत पकौड़िया हम चंदे बुतन चीख ली देखते हैं दोस्तों, ये पत्ता गोभी का पकौड़ी है एकदम चूर-चूर और एकदम चूर चूर है, जहाँ तक होगा तो टेस्ट भी होगा, अभी हम चेक करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। आग जल रहा है तो इसका ये लपट है तो चेहरा हम लाल लाल आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर करीबी के होंगे तो दोस्तों आ सकते हैं, पत्ता गोभी ले जा सकते हैं।
सकते हैं, पकौड़ी खा सकते हैं या भी हम क्या कर सकते हैं, अभी कोई अभी वो नहीं है। आज जिस दिन आप लोगों की कृपा लगेगी तो हम आपका बुलाएंगे बुलाएंगे और सेवा भी करेंगे। हम लोग बड़े यूट्यूबर की तरह नहीं है, जो आएगा उसका मान सम्मान, अभी छोटे हैं ना, आगे निकलेंगे तो दोस्तों हम सबका इनवाइट करेंगे, सबको इनवाइट करेंगे दोस्तों, कोई नहीं पक्का है, छोटा सबको एकदम, जो भी छोटे हैं बड़े हैं सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान एक सम्मान रहेगा दोस्तों। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट